हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में बात करते हैं यस बैंक की यस बैंक दोस्तों कल अपर सर्किट पे यहाँ पे खुलने की तैयारी है तो उसके बावजूद आपको खरीदने का मौका यस बैंक शायद ना दे या दे दे तो अब इसमें आपको अगर अपर सर्किट ये रहता है मान लीजिए अगर चार पाँच दिन अपर सर्किट रहता है और आप इसको ख़रीदना चाहते हैं शायद है कि मैं तो ख़रीदूँ तो आप कैसे खरीदेंगे यस बैंक को बताइए आपने गलती कर दी पहले नहीं खरीदा तो इसका दोस्तों सीधा सीधा इसका मैं सिंपल सा सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ अभी करके भी दिखाने वाला हूँ कि यस बैंक को कैसे खरीदें तो इसमें खरीदने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि यस बैंक आपको मिल सकता है ठीक है यस बैंक देख सकते हैं इस रेंज के अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ एक काम कर रहा है इस रेंज को, रेंज को ब्रेक कल ही करेगा और आपको पंद्रह पॉइंट के आसपास अपर सर्किट खुलता हुआ दिखाई देगा और दिन भर के दौरान शायद ये अपर सर्किट ही बना रहे क्योंकि इतना बड़ा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला है एक अरब के ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला है और अस्सी करोड़ के लगभग सेय डिलीवरी में इसके

वॉल्यूम का मतलब जब बायर और सेलर दोनों टकराते हैं इसका मतलब कल आपको पता है इसमें जो वॉल्यूम आया है एक अरब और दस करोड़ का जो वॉल्यूम आया है तो आप सीधा सीधा आप इसमें देख सकते हैं यानी कि चौवन लाख ने चौवन करोड़ ने क्या किया सेलिंग की है क्या किया चौवन करोड़ क्वान्टिटी सेलिंग हुई है तभी तो ये चौवन करोड़ जो क्वान्टिटी यानी कि जो पचपन सॉरी पचपन करोड़ जो क्वानि चौवन पचपन जो भी हो गया मान लीजिए जो भी पचपन करोड़ जो क्वान्टिटी बाई हुई है वो जिन्होंने सेल किया तभी तो वो बाई हुई ना दोनों मिला के अरब और दस करोड़ का वॉल्यूम जाके

देखो दोस्तों यसपिक का ये मैंने आपको निकाल लिया है और यसपिंक का सारा मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये देख सकते हैं यसपिंक में अभी आपके सामने दो करोड़ और चौवन लाख यहाँ पे क्वांटिटी लगी हुई है जो कि ये निश्चित तौर पे कल ये पंद्रह पॉइंट जो कि चालीस यानी कि फिफ्टीन पॉइंट फोर जीरो का जो अपर सर्किट है वहाँ भी खुलने की संभावना है लेकिन अब आप कैसे खरीदें कि अपर सर्किट पर यहाँ पर अभी इतनी क्वान्टिटी है कल भी वो सारी खुलते ही मार्केट में क्वान्टिटी यहाँ पर डाल दी जाएगी तो आपका ऑर्डर तो लगेगा ही नहीं आपका ऑर्डर लगेगा कहाँ कैसे लगेगा अभी आप ऑर्डर डालोगे नहीं लगेगा ठीक है लेकिन अब आप पंद्रह पॉइंट चालीस ऑर्डर डालोगे तो आपके पहले तो यहां पे दस करोड़ बीस करोड़ क्वानिटी पहले से आ, मार्केट खुलते ही डाल देंगे इसका एक एक दो, एक दोस्तों आपको आपको सिंपल सा आपको मैं लॉजिक बता देता हूं कि मार्केट में अभी आप ऑर्डर डाल सकते हैं मार्केट खुलने वाला कल लेकिन जब भी मार्केट क्लोज होना यानी आज अगर आप मौका चूक जाते हैं मान लीजिए आप काफी लेट हो चुके हैं तो कल अगर आज आपको क्वांटिटी कल का मार्केट नहीं मिलती है तो कल के बाद आपको फिर ट्राई करना होगा मार्केट जैसे ही क्लोज होता है उसमें एमो का एक अलग से ऑप्शन होता है जो आपको मार्केट हर सुपेट देता है

करके दिखाता हूँ दोस्तों अभी देख सकते हैं सिंपल ऑर्डर है और अभी मैंने एक ऑर्डर पहले डाल रखा है सिंपल ऑर्डर पे मान लीजिए येस बैंक में एक क्वांटिटी यहाँ पर डालता हूँ मान लीजिए और ये पंद्रह पॉइंट के पंद्रह पॉइंट चालीस की अपर सर्किट है यहाँ पे मैं ऑर्डर डालूंगा रिजेक्ट होगा रिजेक्ट होगा ये देख सकते हैं आपके सामने ऑर्डर ये रिजेक्ट हो चुका है ये देख सकते हैं ऑर्डर रिजेक्टेड हो गया है ये पहले का मैंने एक ऑर्डर डाल रखा था अभी जो आपको मैं दोबारा से करके बताऊँ कैसे ऑर्डर ये यस yes बैंक में डालते हैं ये देख सकते हैं अब मैं आपके सामने यस yes बैंक में ये जो ऑर्डर डालूंगा वो ए एम ओ करके डालूंगा जो अभी ऑर्डर लग जाएगा यानी कल का ऑर्डर आज ही यस yes बैंक में लग जाएगा कैसे लगेगा भी आपको मैं करके दिखाता हूँ फटाफट यस बैंक यस बैंक यस बैंक यस बैंक यस बैंक जी यस बैंक ये आ चुका है यहां पे दोस्तों मैं बाइंग ऑर्डर डाल रहा हूं और ये देख सकते हैं यहां पे वन मिनट यहां पे सिंपल ऑर्डर की जगह एक आपको दे रखा कवर ऑर्डर उसके नीचे आप देख सकते हैं यहां पे एक एमओ करके दे रखा है ठीक है तो इस ऑर्डर में जब आप डालते हैं दोस्तों यस yes बैंक का जो अगर आप फिफ्टीन पॉइंट अगर फोर जीरो पर सर्किट है वहाँ पे आप डालते हैं तो अभी आपको मैंने बताया सिंपल ऑर्डर में रिजेक्ट हो गया है लेकिन एम करके आप डालते हैं इसका मतलब है आपका ऑर्डर पहले मार्केट खुलने के पहले से ही लगा हुआ है जब मार्केट अगर फिफ्टीन पॉइंट फाइव जीरो पर मार्केट खुलता है या उसके नीचे खुलेगा अगर 15.50 के नीचे मार्केट खुलता है तो आपका 100 परसेंट आपका ऑर्डर सक्सेसफुल होगा बाइक के अंदर ये तो हो गया पहले कंडीशन अगर 15.50 के नीचे मार्केट खुलता है इसका मतलब आपने ऑर्डर तो लगा रखा है 15.40 पॉइंट अपर सर्किट पर लगा रखा है और मार्केट खुल रहा है अपर सर्किट के थोड़ा नीचे हो सकता है डाउन खुले हो सकता है अपर सर्किट थोड़ा डाउन खुले तो आपका ऑर्डर बिल्कुल क्लियर होगा लेकिन अगर मार्केट अपर सर्किट पे खुल जाता है मान लीजिए फिफ्टीन पॉइंट फाइव जीरो पर मार्केट खुलता है लेकिन आपने ऑर्डर जो लगा रखा था फिफ्टीन पॉइंट फाइव जीरो पर लगा रखा था लेकिन आपको मैं उदाहरण पहले से बता रखा हूँ कि ऑलरेडी मान लीजिए बीस करोड़ क्वान्टिटी कल मिल जाती है आपको पहले से ही ठीक है अब आपका ऑर्डर बाई दफा बीस करोड़ के बाद में बाईसवें करोड़ की क्वांटिटी के अंदर आपका ऑर्डर वहां पर लगा हुआ है लेकिन अगर वॉल्यूम दोस्तों पूरा वॉल्यूम आ जाता है मान लीजिए जैसे कि अभी कल ही जो वॉल्यूम आया था यानी कि पिछला ट्रेडिंग सेशन में एक अरब का वॉल्यूम आया था और हो सकता है कि अस्सी करोड़ का वॉल्यूम आ जाए तो आपका ऑर्डर डेफिनेटली यहां पे सक्सेसफुल होगा लेकिन ऑर्डर वो देखना पड़ेगा कि किसके अगर वो पहले से बीस करोड़ का ही लगा हुआ है मान लीजिए चालीस करोड़ लगा हुआ है तो अगर फिर अस्सी करोड़ का वॉल्यूम होता हो सकता है आपका ऑर्डर आए या ना आए लेकिन बीस करोड़ लगा हुआ है और फिर पूरे दिन के दौरान आप सुबह देख लेना कि अगर फिर मार्केट नौ बज के पंद्रह मिनट पर स्टार्ट होता है और उसमें वॉल्यूम लगा हुआ है मान लीजिए बीस करोड़ बाई ऑर्डर बीस करोड़ लगा हुआ है और उसके पश्चात उसको वॉल्यूम चेक कर लीजिए कि वॉल्यूम अभी तक हुआ है मान लीजिए दस करोड़ इसका मतलब टोटल का अभी कितना हो गया तीस करोड़ हो चुका है लेकिन अब तीस करोड़ जो वॉल्यूम सॉरी दोस्तों दस करोड़ का वॉल्यूम हुआ है बीस करोड़ ऑर्डर लगे हुए हैं अपर सर्किट के अंदर तो टोटल लगा के तीस करोड़ हो चुका है ठीक है लेकिन अब दोस्तों तीस करोड़ के बाद में अगर साठ करोड़ तक वॉल्यूम पहुंच जाता तो आपका ऑर्डर डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा अपर सर्किट पर ही हो जाएगा जबकि मार्केट अपर सर्किट से टूटा भी नहीं है चलिए आपको यह आप समझ में आ गए होगा आप दोबारा से वीडियो रिपीट कर सकते हैं मैं यहाँ पे ऑर्डर लगा के आपको दिखाता हूँ फटाफट ये लिमिट की जगह लिमिट ही आप इसमें इस कर सकते हैं मार्केट भी कर सकते हैं ठीक है मार्केट भी कर सकते हैं तो मार्केट अगर आप, कर, आप करते हैं तो डायरेक्ट आपका मार्केट पर ही क्लियर हो जाएगा यानी कि दे, देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर डालता हूँ एक और ये मार्ट डालता हूँ ए करके और शोरी शोरी शायद आपने कुछ गलत कर दिया यहाँ पर ए एम ओ नहीं किया होगा वन मिनट वन मिनट हाँ जी सिंपल के जगह में एमओ करता हूँ और यहाँ पे वन क्वांटिटी ये देख सकते हो दोस्तों मार्केट के ऊपर मार्केट के ऊपर ही लग चुका है यानी कि मार्केट जहां खुलेगा मार्केट जहां खुलेगा अगर 15.50 के नीचे मार्केट खुलेगा तो डेफिनेटली होगा अगर 15.50 के पे भी मार्केट खुलता है और फिर आप क्वांटिटी सुबह लगाते हैं तो आपकी क्वांटिटी सबसे पीछे लगती है लेकिन अभी आप क्वांटिटी लगाते तो आपकी क्वांटिटी बाई दफा उस उन जो करोड़ों की क्वांटिटी वहां पर आपकी क्वांटिटी मैच हो जाए और आपका ऑर्डर आपका सक्सेसफुल हो सकता है अगर वॉल्यूम ज्यादा आया तो यानी कि अपर सर्किट के ऊपर ही मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा इससे ज्यादा दोस्तों मैं समझा नहीं सकता आप शायद समझ गए होंगे अगर ए एम ओ करके आप लगाएंगे तो आपका यहाँ पे ऑर्डर किस प्रकार सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो चांसेस यहाँ पे ज्यादा बनेंगे जब उनके यानी कि उसके विपरीत जब आप मार्केट के इंटरनेट के दौरान अपर सर्किट पर ऑर्डर लगाते हैं तो पूरे दिन भी आपका क्लियर नहीं होता आप देख आपने आप करके देखा होगा लेकिन एएमओ करके अभी लगाते हैं आप तो आपका ऑर्डर पहले से ही वहां पे एक्सचेंस के पास चला जाता है कि इनका ऑर्डर पहले अभी टाइम फ्रेम जो आप देखते हैं यानी कि मिनट पर अभी का टाइम फ्रेम आपका पे नोट होगा और अभी का आपको ऑर्डर पहले से लिस्ट में लगा देंगे और वहां पर अगर आप वॉल्यूम ज्यादा आता है तो आपका ऑर्डर वहां पर सक्सेसफुल हो जाता है मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अब आप तैयार है यस बैंक का वो और जो टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है कि कितने टारगेट यस बैंक मिलने वाले हैं तो वो वन डे के टेक्निकल चार्ट और वन वीक के टेक्निकल चार्ट वन मंथ का टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है वो आपको मैं बताता हूँ जल्दी ही बाय बाय दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करके शेयर

100 की जाती है लेकिन किसी दिन स्टॉप लॉस आ जाते हैं या किसी महीने में एक दो दिन स्टॉप लॉस आ जाते हैं तो एक कृषि दो सौ आपके सामने सौ परसेंट घट जाती है और वो एक कृषि नाइन्टी परसेंट की आ जाती है फिर भी नाइन्टी परसेंट की एक कृषि बने हुए हैं तो जबरदस्त प्रॉफिट लेके जाते हैं पूरे मंथ में देख सकते हैं ये कॉल रिजेक्टेड है बैंक निफ्टी निफ्टी आईसी बैंक तीनों कॉल सक्सेसफुल है तो किसी भी कोर्स में कोई स्टॉप लॉस नहीं ऑल टारगेट सक्सेसफुल मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत